हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं और उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों पूरी देखना। मैं गारंटी के साथ आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई। इससे दोस्तों क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की और भी वीडियोस बनाने के लिए, और साथ में दोस्तों वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्टेड में जाएगी ताकि जो जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उनको ये वीडियो मिले और उनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अदरवाइज दोस्तों यूट्यूब पर आपको पता है बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनमें कि जेन्युइन तरीके से नहीं बताया गया कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, और यहाँ पर फेक वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी। तो प्लीज़ से इस वीडियो पे एक लाइक और कमेंट करके जरूर से बता देना कि कैसी लगी वीडियो आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं और हम आपको बता देते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। तो दोस्तों सॉल्यूशन से पहले जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड ही ना किया। अगर अपलोड कर रखे हैं तो वेरिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे पेटीएम की तरफ से होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे जो भी इनके एजेंट है, जैसे कोई शॉपकीपर है, उसके पास अगर इसका मतलब ऑथराइजेशन है तो आप उसके पास जाके इसको वेरीफाई करवाएं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो दोस्तों पेटीएम की तरफ से पेंडिंग हो जाती है। कई बार किसी इश्यू की वजह से प्रॉब्लम रह जाती है, यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाते आपके डॉक्यूमेंट, इस वजह से आपको क्या ये जो सेविंग अकाउंट आपका ओपन नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन आपको क्या करना है और कैसे आपकी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने पेटीएम ऐप में जाना है। वहाँ पे आपको 24/7 हेल्प का जो ऑप्शन मिलता है, चाहे आप लेफ्ट साइड से निकालें या फिर राइट साइड से, जहाँ से भी आपको मिलता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आवर एग्जीक्यूटिव विल हेल्प सॉल्व योर प्रॉब्लम, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक वॉलेट एंड पेटीएम वाले ऑप्शन के नीचे देखना है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया होगा, ये नंबर है 01204456456। हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में जब आप ये वीडियो देखो तो ये नंबर चेंज हो जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए ये नंबर है। आपको इस ऑप्शन के नीचे जो नंबर मिले इस पे आपको कॉल करना है। तो अगर आप पेटीएम में पहली बार कॉल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में अगर यहाँ पे आपसे लैंग्वेज का ऑप्शन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में से अपनी लैंग्वेज चूज कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे, या और भी जो भी लैंग्वेज यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाए उनमें से अपनी लैंग्वेज चूज कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको पेटीएम वॉलेट और सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे आपको प्रेस करना है उसके लिए जो भी बटन ये बताए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से बात करने का ऑप्शन बोलेगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको इनके एग्जीक्यूटिव यानी कस्टमर केयर से बात करनी है। उसके बाद दोस्तों उनको आपको अपनी प्रॉब्लम बता देनी है कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग का यहाँ पे क्यों दिखा रहा है। आप उनको बताएंगे तो वो इंस्टेंट आपके वहाँ से डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर देंगे और आपका इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, रुपये डेबिट कार्ड पेटीएम की तरफ से फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके इंस्टेंट हो जाएगी, आप कॉल करते टाइम या जब आप कॉल हो रही होगी वो इंस्टेंट बोल देंगे आपको कि आपकी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो उस टाइम आप देख सकते हैं एट ए टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका जो सेविंग अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका था दोस्तों, इस तरीके से आप अपने सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद निश्चित होकर आप अपने यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है यानी पेटीएम का जो बैंक अकाउंट है उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो जाती है दोस्तों खत्म, और हमें कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई, और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह की वीडियोज और भी बनाने के लिए। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।